नमस्कार भाई दोस्तों। फिर बोलते हैं कि सिख ऐसे करते हैं, सिख चपेड़ा मार देते हैं, सिख ये कर देते हैं। तुम काम कैसे कर रहे हो? अपने काम तो देख लो पहले, अपने काम तो देख लो। ठीक है, अर्चना बीबी अगर फोन उठाती तो बात करते और फिर ना आपका वो दिखाते भी सभी को कि आपसे क्या बात हुई थी। आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसका फोन नंबर है भाई, पहले बता देते हैं। जो ये लड़की आई है जिसका दरबार साहब योगासन कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ योगासन करने आई थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब निकाली गई देखा गया तो ये ना तो दरबार साहब की परिक्रमा करने गई, ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने गई, कहीं नहीं गई। ये सिर्फ वहां पे आई है, दरबार साहिब इधर पीठ करके टांगे ऊपर उठाई, इसने योगासन किया, फोटो खींचे। अभी कुछ दिन पहले ही तो एसजीपीसी ने आदेश जारी किया था कि भाई वहां पे मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ और आदेश लागू पता है? जाके देखो, दिल्ली के अंदर भी मंदिर है, उनके अंदर जाकर लेके जाना, को मोबाइल कैमरा अंदर लेके जाना। अभी मंदिर बनाया है, उस मंदिर के लेके जाओ। पहले ही बोल देते हैं तो फोन अपने घर पर रख के आओ या कुछ करके आओ। और इस लड़की का सीधा और सीधा कहा कि ये गुजरात की नागपुर से, उस फैक्ट्री से निकली हुई है जिस फैक्ट्री से निकलते हैं ना जो कब्जा करके बैठे हुए हैं एसजीपीसी पर हर एक जगह पे। एसजीपीसी का यही काम है क्या? शिरोमणि अकाली दल के लिए वोटे मांगने का? एसजीपीसी प्रधान धामी साहब, अगर इस मामले को ढीला छोड़ दिया आपने तो सबसे पहले आप ही इस्तीफा देना, आप इस्तीफा दे देना, फिर आप प्रधान के लायक नहीं हो। अगर इसको छोड़ दिया तो क्यों, ये क्या करेगी? माफी मांग लेगी? इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओगे? इसके ऊपर सीधा सीधा 295A का पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सिख धर्म की भावनाओं को भड़का है क्या? दरबार साहिब इससे बड़ी तो कोई सर्वोच्च संस्था है ही नहीं कोई सिखों के लिए, और उसमें जाकर ये योग करके फोटो पर इंस्टाग्राम पर डाल दिया। एक तरफ सिख बोलते हैं भाई हम योगा डे नहीं मनाते, जो असली सच्चे सुच्चे सिख वो नहीं मनाते, वो बोलते हैं हम गतका डे मनाते हैं भाई, अपना गतका डे मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो एसजीपीसी से सवाल खड़ा होता है, वो गतके की टीम कहाँ भाई? टीमें कहाँ गतके की? जो गतका डे मनाया जाएगा, गतके की टीम कहाँ है? एसजीपीसी के पास है ही सवाल का कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। एसजीपीसी ने क्या किया? उठा के दो मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया, दो मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया भाई। गलती है मुलाजिमों की, गलती नहीं, वहां पर और भी जितने लोग थे उन सब की गलती है। वहां पे कोई भी आने जाने वाला था, चाहे कोई वो हिंदू था, मुसलमान था, कोई भी था, उसने देखा ये कर क्या रही, उसको उसी टाइम पर टोकना चाहिए था, उसके फोटो डिलीट करने चाहिए थे, क्योंकि ये फोटो वर्ल्ड वाइड वायरल हो रहे हैं। ये नहीं कि फोटो सिर्फ यहीं पर है, वर्ल्ड वाइड वायरल हो रहे हैं। इस लड़की का नाम है अर्चना, फैशन डिजाइनर है ये, कोई योगा पोगा टीचर नहीं है। ये बड़े ही सुनियोजित तरीके से आई थी, सुनियोजित तरीके से वहां पे आई थी, उसको ये करना था और उसने ये करके दिखाया और फोटो फैला दिया, सब कुछ फैला दिया। ज्यादा करोगे ना, इसकी पहुंच कहां तक है ये समझ जाना है। नागपुर की फैक्ट्री से आई थी, गुजरात से नागपुर की फैक्ट्री से आई हुई थी ये, याद रखना इसकी पहुंच कहां तक होगी। ये माफी मांग ले गया तो, अगर एसजीपीसी ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, अगर इसको 295A से कम का पर्चा दर्ज कराया और इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो फिर भाई एसजीपीसी प्रधान धामी साहब आप इस्तीफा दे देना और कुछ नहीं है, इस्तीफा दे देना। ये धार्मिक भावना ही भड़काना, नहीं तो क्या है? अगर किसी मंदिर में जाकर किसी ने ये कर दिया होता और फोटो खींच लिया होता, अभी तक पूरे देश में बवाल मच गया होता। भांड मंडिया और उसके दलाल बवाल मचा देते, वो ऐसा ऐसा बवाल मचाते देखो। और कुदरती अगर वो लड़की सिख होती, ये कभी बड़ी बड़ी माला गले में पहन कर तिलकधारी बनकर ड्रामे करती है, कभी कुछ करती है। बीबी फोन स्विच ऑफ आ रहा अर्चना तेरा, जिस दिन फोन खुलेगा ना उस दिन तू बड़े अच्छे अच्छे शब्द सुनेगी सभी से। हाँ, इसका फोन नंबर है मेरे पास, फोन नंबर है धामी साहब, इसका फोन नंबर चाहिए तो, अगर ना पता हो तो फोन नंबर भी है। फैशन डिजाइनर है ये, फैशन डिजाइनर, कोई योगा पोगा टीचर कुछ नहीं है। दूसरी चीज, योगा का वो है नहीं क्या? वहां पर एक भी आदमी नहीं था जब ये ऐसे फोटो खींच रही थी, वहां पर एक भी आदमी नहीं था, ऐसा तो नहीं हो सकता। एसजीपीसी बहुत बड़ी संस्था है क्या? सिर्फ या मोटी मोटी तनख्वाहें लेने के लिए बैठे हुए वहां पे, सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाहें लेनी, हमारे को क्या करना, कोई कुछ करता रहे। ये पता है क्या बोलते हो मेरे को? हिंदू तो हिंदू नहीं बोलते, सिख निचले नहीं सिख बोलते, डाढ़ा प्रकाश नहीं है, मुसलमान मुसलमान कैसे मानेंगे, मैं टोपी नहीं पहनता। अब मेरे को क्या बोलो, जब हमारे को इतना दुख आया, इतना दर्द आया है, इतना दर्द आया जिसकी कोई हद नहीं, इसके ऊपर 295A का पर्चा दर्ज होना चाहिए। कम से कम भी इसको 20 साल की सजा होनी चाहिए, 20 साल से नीचे की इसकी सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा करने से पहले ना हजार बार सोचे। लेकिन ये आपको बता रहा हूं मैं, आज एक दिन दो दिन उठ जाएगा ये मामला, चार पांच दिन में मामला शांत हो जाएगा। माफी मांग लीजिए, उसने बस उसको माफ कर दिया, क्या ये माफी लायक मामला है इसका? माफी दे देनी चाहिए इसको, अगर इसको माफी दे देनी चाहिए तो फिर सबको दे देनी चाहिए। सबको मोबाइल लागू करो, कोई वहां पर रील बनाए, कोई कुछ बनाए, आधे से ज्यादा जनता वहां पर रील बनाने के लिए जाती है, रील बनाने के लिए। ये पता है जाते खाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये प्रबंधन की जो कुप्रबंधन है ना, ये प्रबंधन की वो है खराबी है और कुछ नहीं है। क्या एसजीपीसी ऐसा प्रबंध नहीं कर सकती? ठीक है भाई, मोबाइल भी ले रहा ना, अगर बाहर निकाल के कोई फोटो मत खींचना, वहां पर लाखों लाख आदमी रहते, हर आदमी की ड्यूटी बढ़ती है ये, हर एक आदमी की। अगर कोई सच्चे मन से जा रहा है ना दरबार साहिब मचा रहा है, तो हर एक बंदे की ड्यूटी बढ़ती है ये। क्या कर रहा है भाई, ऐसा मत कर।
अगर आप आए हो तो आओ, गुरु साहिब की परिक्रमा करो और करो लंगर चखो और अपना 2 मिनट अरदास करनी अरदास करो, जो प्रणाम करो, लेकिन ये बकवासबाजी करने के लिए वहां पे मत जाओ। और जब सीसीटीवी में देखा इसी दिन अंदर गई है, सिर्फ वहीं पर जाकर सरोवर के किनारे जाकर इसने अपना ऊपर टांगे उठाई, बैठ कर फोटो खींचे और बस फेमस होने के लिए। इसको पता था सिख तेरे फोटो सब ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा होगी फेमस, ले लिया फेमस। इसको जहां जो तस्वीर भेजनी थी वहां नागपुर की फैक्ट्री में इसने तस्वीर भेज दी, ये लो जी मैं तो करके आ गई। वहां पर तो ऐसे ही चलता है सब कुछ, ऐसे ही चलता है। भगवंत मान साहब, आप बोलते हो कि एसजीपीसी को आजाद करवाएंगे, कैसे आजाद करवाओगे? जब एसजीपीसी पे संतों का जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है या संतों का शहीद दिवस मनाया जाता है तो आप सीआरपीएफ लगा देते हो वहां पे, आप सीआरपीएफ लगा देते हो। अब कहां थी आपकी वो सीआरपीएफ, अब कहां पे गए आप? फर्ज आपका भी बनता है, आप भी तो सिख हो ना, चाहे भले ही आपने पग्गों में सिर फंसा रखा, सिख हो या नहीं हो ये तो हमारे को पता नहीं है, लेकिन क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता? पूछो ना अपने मालिकों से, आपके ही मालिक है, नागपुर की फैक्ट्री में आपके मालिक है, पूछो कि ये लड़की करने क्या आई थी, अर्चना जो फैशन डिजाइनर है करने क्या आई थी, गुजरात से इतनी दूर खाली फोटो खींचने? ना 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 ना, इसका फोटो खींचने तक मतलब नहीं था, सिर्फ मतलब फोटो खींचने तक नहीं था, ये देखना अभी 1-2 दिन में जो कहानी शुरू होगी ना वो कहानी आप भी याद रखोगे। इसने किसी मंदिर में जाके नहीं किया भाई, किसी मस्जिद में जाके करके दिखाती वहां पर सीसीटीवी कैमरे कुछ भी नहीं ना, फिर भी इसको बता देते। इतनी सर्वोच्च संस्था के होते, इतना जो पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे पवित्र स्थान माना जाता पूरी दुनिया में दरबार साहिब, वहां पे आके इसका ऐसे करना, इसे ज्यादा शर्मनाक तो नहीं हो सकता? अगर इसके ऊपर 295 ऐसे कम पर्चा दर्ज होया और इसको सजा नहीं मिली तो भाई एसजीपीसी के प्रधान धामी साहब और जितने भी अकाल तख्त साहब के जत्थेदार और जितने भी हैं, इस्तीफा आप लोग देना, कोई और नहीं। और हाँ, सुखबीर सिंह बादल आप ही करता धरता हो ना एसजीपीसी के सभी जगह के, क्योंकि आपकी वोटें मांगते हैं ये, करता धरता तो आप ही हो। क्या एक्शन लिया आपने? आप अपने मालिकों के खिलाफ बोलोगे? ये मत कहना कि अभी आपका गठबंधन टूट गया, आपके मालिक नहीं, आपके मालिक हैं वो, सबको पता है आपके मालिक हैं वो, थे हैं और रहेंगे, ये भी याद रखना, वो रहेंगे आपके जिंदगी पर मालिक। क्या अपने मालिकों के खिलाफ जाओगे? इसके ऊपर 295 का प्रचार दर्ज होगा, इसको जेल में डलवाओगे, इसको सजा दिलवाओगे? नहीं दिलवाओगे। यहां पर सजा सिर्फ उसको दिलवाई जाती है जो सिख युवा बच्चों को नशे से छुड़वाता है, गुरु के नजदीक लगाया जाता है, उसके ऊपर तो एनएसए लग जाता है। इस पर एनएसए लगेगा क्या? इसको डिब्रूगढ़ जेल में डाला जाएगा क्या? इसको लगाया जाएगा इसके ऊपर नशे? लगवाओ फिर, अगर दम है तो लगवाओ, नहीं तो ना फिर खाली है ना, तनख्वाह लेने के बैठ गए आप लोग तो एसजीपीसी के अंदर, तनख्वाह लेने के लिए बैठे रहो। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी, एफआईआर से काम चल गया क्या? आप लोग एफआईआर दर्ज करवाते हो, वहां से मानसिक विकलांग बोल के उसको निकाल देते हैं, ये तो मानसिक विकलांग है जी, हाँ ठीक है जाओ इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। जब तक यही रवैया रहेगा सिखों का तब तक ऐसा बार बार होता रहेगा। अगर इसको ठोक के और अच्छी तरीके से सजा मिलेगी, इसको अच्छी तरीके से सजा मिलेगी ना, आगे कोई भी ऐसी गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि तेरी क्या हालत करेंगे सिख। ये तपेड़ा खाने के काम अपने आप करते हैं, अपनी एडवांस बुकिंग खुद करवाते हैं। अर्चना मैडम आप चाहे नागपुर में है, चाहे नागालैंड में रहना, चाहे आप ना कहीं स्विट्जरलैंड में चली जाना, सिख आपको हर एक जगह पे मिलेगा, हर एक जगह पे। और आपने जिस जगह का अपमान किया ना उस पर हमारे को इतना दुख आ रहा है कि आपके ऊपर हमारा दिल कर पर्चा दर्ज कराए 295 का, अगर आपने यहाँ पे किया होता ना कहीं पे तो 295 का पर्चा दर्ज हम करवाते। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या एसजीपीसी को इसको छोड़ देना चाहिए? जो इस मैडम ने कार्रवाई काम किया है क्या इसको छोड़ देना चाहिए? छोड़ने लायक तो इसका काम है नहीं और इसका काम माफी के लायक भी नहीं है। लेकिन अगर इसको सजा नहीं मिलती तो एसजीपीसी इस्तीफा दे देना धामी साहब, अपनी तो रिक्वेस्ट है आपसे, बस रिक्वेस्ट ही करेंगे आपसे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।